आप देख रहे हैं वाराणसी पब्लिक न्यूज, मैं सुषमा सिंह। अपना नाम बताइए। मैं रंजन सिंह अधिवक्ता हूँ और मैं यहाँ बैठ रही हूँ और कितने दिन से कंप्लेन कर रही हूँ, 3-4 बार कंप्लेन कर चुकी, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और इसी तरह से इतना बदबू दे रहा है, महाक्रय सब लोग आ रहे जा रहे, सबको परेशानी हो रही है, लेकिन इस पर किसी तरह से बिल्कुल केयरलेस लोग कर रहे हैं। सुनी इतने दिन हो गए ये सीवर बह रहा है यहाँ पे? सर ये 3-4 महीने से बह रहा है। तो कितनी बार आपने कंप्लेन की है? हमने 3-4 बार कंप्लेन किया। तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि आज कर देते हैं, कल करवा देते हैं, अभी संडे का दिन रखे थे कि संडे करवाएंगे, अभी तक हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। इससे बात हुई थी कि जिन्होंने बोला था कि कंप्लेन हमने सुन लिया, काम करेंगे? मैडम है जो बैठती हैं वही है। कौन सा पद पर है वो मैडम? सुपरवाइजर है यहाँ की। जल संस्थान में जेई है यहाँ की? जेई है जल संस्थान जी। अपना नाम बताइए। मैं शिव प्रसाद सिंह कैमूरी हूँ और मैं यहाँ अपना चैम्बर साल भर से लगाया हुआ हूँ। और ये जो दीवार पीछे जो दीवानी वाली दीवार थी उसको ढहा गया, ढहा करके इसका निर्माण किया गया। तो ठेकेदार था सब, इसमें मतलब वो जो गड्ढा था उसमें नाला का उसमें सब पाट दिया, इस वजह से जाम हो गया, नहीं तो यहाँ एकदम बहुत एकदम साफ रहता था, फ्रेश रहता था और यहाँ कोई बदबू वगैरह भी नहीं थी। यहाँ 20-30 अधिवक्ता यहाँ चाय वाला लगाता था और यहाँ 20-30 अधिवक्ता बैठ करके टेबल कुर्सी पर एकदम पीते थे, चाय वगैरह पीते थे। और ये ठेकेदार जो यहाँ रमेश सिंह ठेकेदार जो इसका ठेका लिए हुए हैं, तो उनसे भी हमने 2-3 बार कहा, तो उन्होंने कहा कि आप जल कल विभाग में जा करके और ठेकेदार को वहाँ का बोल दीजिए कि लेबर जो भी जहाँ से भी हो ला करके मतलब यहाँ काम लगाए और जो भी खर्च आएगा हम देंगे। मगर इसे करने के बाद भी वो लेबर आया था एक दिन और वो 2,000 रुपया मांग रहा था कि हम एकदम सही कर देंगे इसको, सब जाम हो गया है खोल कर लगाएंगे, और वो 500 रुपया दे रहे थे मगर वो काम नहीं किया। अब इस वजह 3-4 महीना हो गया इसी तरह से पानी बह रहा है। अब मैडम जी को 4-5 बार हमने गया है पर्सनल रूप से और कंप्लेन भी किया था वहाँ पर कि मैडम जी देखिए, तो वहाँ नंबर हमको मिला था और नंबर इनको दिया था, तो यहाँ नंबर होकर के 2 दिन के बाद यहाँ आया था चढ़ करके, तो वो बोले कि हम काम करा रहे हैं। 3 बार गया और करेंगे, आज भेज रहे हैं, कल भेज रहे हैं, संडे को भेज रहे हैं, सैटरडे को भेज रहे हैं, इस तरह से 2-3 बार हो गया। हमने 3-4 बार तो मैडम जी को पर्सनल रूप से भेजे कि महिला हैं और जाकर आप बोलेंगी तो वो आपकी बात सुनेंगे और हमारी सुनती नहीं है। और इस तरह से वो कहते हैं कि जाकर के देख लीजिए कि यहाँ कितना बदबू दे रहा है, बैठने के लायक भी नहीं है और मच्छर और कीटाणु भी इससे उत्पन्न हो रहे हैं, जिससे कि लोगों का सेहत भी खराब हो सके। इस संक्रमण काल में इसी तरह से लोग अपने कीटाणु और संक्रमण और सुरक्षा के लिए अपना करते हैं, सुरक्षा करते हैं, मगर वो ध्यान नहीं दे रही हैं। हम कहें कि चलकर देख लीजिए कितना बदबू दे रहा है, वहाँ बैठने के लायक नहीं है, मगर वो आई नहीं, कहें कि हम संडे करा देंगे। और इस तरह करते करते 2-3 संडे भी हो गया, कल आया था, लोग खुद खा करके इसी तरह चला गया, कुछ सफाई भी नहीं किया है, इस तरह से बह रहा है और गाड़ी है, सब लोग थूकते हैं, चलते हैं। आप देख रहे हैं बीपीएन न्यूज़ के यूट्यूब चैनल, और इस तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।